नमस्कार दोस्तों, CGPSC मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब एक बड़ी चुनौती आपके सामने है कि इसे अभ्यास कैसे करें और जो बचा हुआ समय है उसको कैसे हम डील करें। यानी सितंबर के आपके पास लगभग 20 दिन हैं और आगे के 15 दिन हम पकड़ लें तो इस तरह से आप देख पाते हैं कि आपके पास 35 दिन लगभग मिल रहे हैं आपको तैयारी के लिए। और 35 दिन कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि 35 दिनों में यदि हर घंटे आप 10 से 11 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि 350 घंटों का आपके पास एक बफर बाकी है। तो 7 पेपर्स को प्लान करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अहमियत देखना कि किस पेपर की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है। और मैं इम्पॉर्टेंस किसको देता हूँ, जिस पेपर में आप कमज़ोर हैं, क्योंकि कमज़ोर पेपर को पढ़ने के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए। तो दोस्तों, जो पेपर आपका कमज़ोर है उसको पहले पढ़िए, उसको पहले आप डील करने का प्रयास कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा बार रिवीजन का वक्त मिलेगा। दूसरी चीज़ कि पैरेलली आपको CGGS के ऊपर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटे CGGS देना है, डेली बेसिस पर उन विषयों की तैयारी करनी है जो आपको कठिन लगते हैं। तो जो कठिन लगते हैं उसको बार बार प्रयास में लीजिए और डेली शाम को आप कम से कम 2 घंटे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। यदि 35 दिन तक हम डेली 2 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करें तो 70 घंटों का अभ्यास आपको हो जाएगा दोस्तों, और इतना काफ़ी होगा यदि आप CGPSC मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो मुझे लगता है टू द पॉइंट आंसर लिखना, डायग्राम, फ्लो चार्ट या मैप का इस्तेमाल करना और एग्जाम्पल के साथ करेंट अफेयर्स को कोट करना, ये सारी चीज़ें यदि आप अपना लेते हैं और टाइमली आप पेपर फिनिश कर लेते हैं तो ज़्यादा मार्क्स ग्रहण किए जा सकते हैं। पेपर 1 में 100 मार्क्स की हिंदी, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। यदि कमज़ोर है, खासकर वो बच्चे जो प्योर इंग्लिश मीडियम के हैं या फिर जिनकी हिंदी पर कमांड नहीं है, उन्हें फर्स्ट पेपर पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी आपको कॉम्पिटिशन में बाहर कर सकती है। 100 मार्क्स का है और बाकी 50-50 जो मार्क्स हैं वो छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी में है। तो इंग्लिश जिनकी कमज़ोर है उनको भी तैयारी करनी चाहिए। हिंदी और छत्तीसगढ़ी को एक साथ मिलाकर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि इन दोनों को स्ट्रैटेजी वाइज साथ में पढ़ना ज़्यादा फेवरेबल है। इसके अलावा ऐसे राइटिंग की बात करें तो 4 ऐसे हैं और 4 ऐसेज में से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए 35 दिन में कम से कम, नहीं तो 15 से 20 ऐसे तो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि 4 ऐसे लिखना है तो 4 अलग अलग डायमेंशंस हैं, बिकॉज 4 सेपरेट टॉपिक्स पर आपको ऐसे लिखना है। 750 शब्दों में एक ऐसे लिखने का टारगेट है 45 मिनट में, तो 15 मिनट प्लान कीजिए, 30 मिनट ऐसे लिखिए, लेकिन प्रैक्टिस करें घर पर तो ज़्यादा अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च किया है, 15 सितंबर से चालू हो रही टेस्ट सीरीज़, लेकिन आपको घर पर भी अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे के टॉपिक्स चाहिए वो हम आपको रिलीज़ कर देंगे। हमारे टेलीग्राम पर टेस्ट के टॉपिक, ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स डले हुए हैं और भी डालने का प्रयास हो रहा है, बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे पर फोकस कीजिए। ऐसे राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें टू द पॉइंट चलें, किसी स्टोरी से स्टार्ट करें और स्टोरी से स्टार्ट करने के बाद मेन जो टॉपिक है उस पर फोकस में बने रहिए। पैराग्राफ पर लिखिएगा, पॉइंट वाइज कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज वो आपके राइटिंग स्किल को देखना चाहते हैं। पैराग्राफ के बीच लिंकिंग होना चाहिए, टॉपिक की तारतम्यता कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए और टॉपिक से रेलेवेंसी बनी रहनी चाहिए। उसमें रीज़न भी देना है, फैक्ट्स भी देना है, और यदि प्रॉब्लम की शक्ल में आपका ऐसे पूछा गया है तो आपको सॉल्यूशन भी देना है। ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट चलिएगा, रिपीटेशन से बचना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू। पेपर 3 में आते हैं, जहाँ पर भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ का इतिहास, इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पेपर में अमूमन लोगों को कम मार्क्स आते हैं, उसके 2 रीज़न हैं, पब्लिक एड और छत्तीसगढ़ का इतिहास। भारत का इतिहास या इंडियन हिस्ट्री आप ढंग से डील कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है छत्तीसगढ़ के इतिहास की तो वहाँ पर आप कुछ हद तक कमी महसूस करते हैं तथ्यों को संजोने में। और रह गया तीसरा मुद्दा आपका लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके लिए डॉक्टर योगिता हुजा के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स रेडी हैं पाथेयस एकेडमी, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें लिखने का तरीका एक ही ध्यान रखना है, टू द पॉइंट चलना है और मैनेजमेंट की थेरीज पर पकड़ बनाकर रखनी है, ताकि करेंट अफेयर्स को आप डाल सकें अपनी समझ के साथ। जैसे
कि कोरोना दौर में कर्मचारियों को अभी प्रेरणा कैसे मिलेगी, मतलब मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो दिल्ली सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 करोड़ का पैकेज रखा है यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो। 1 करोड़ एक तरह की सुरक्षा है उनके परिवार के लिए, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो ये उनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर हो गया। तो इस तरह से आपको कोई एग्जाम्पल करेंट का ढूंढना होगा, लोक प्रशासन में इस तरह से नंबर लाए जा सकते हैं। दोस्तों अगला मुद्दा है, मैं चलता हूं पेपर 4 की ओर, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक सेक्शन में है, इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग एक सेक्शन में है, और तीसरा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट एक साथ है। तो ये 3 सेक्शन है लेकिन सब्जेक्ट ढेर सारे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 10th के सीजी बोर्ड की किताब से आपको पढ़ना है, इनफैक्ट मैथ्स भी वहीं से पढ़ना है। एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स की गुंजाइश है, इसलिए करंट अफेयर्स उनके रेडी रखिएगा। सैटेलाइट कौन से लॉन्च किए, या फिर एनवायरमेंट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या प्लान है, कोविड दौर में मेडिकल वेस्ट की बात हो रही है उसका कैसे अरेंजमेंट करना है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, इस तरह के करंट के मुद्दों को आप लेकर चलेंगे। पेपर 5 आपका जो है वो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, और उसमें डेफिनेटली छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को भी शामिल किया गया है। तो नेशनल इकोनॉमी, नेशनल ज्योग्राफी को शामिल किया गया है। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान ये रखना है कि इनको करेंट अफेयर्स के साथ जोड़ते हुए आपको लेकर चलना है। जब भी करेंट अफेयर्स की बात आती है तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट को डालना ना भूलें, क्योंकि इन दोनों की अहमियत है। जब तक हम बजट और सर्वे को नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर अधूरा रहेगा। इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़िए, टर्मिनोलॉजी की समझ विकसित कीजिए, एंड देन करेंट अफेयर्स। तो ठीक इसी तरह से ज्योग्राफी में भी करना है। ज्योग्राफिकल घटनाएं बहुत सारी घटी हैं, चाहे भूस्खलन की बात करें, लैंडस्लाइड की बात करें, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, या फिर फ्लड की बात करें, बाढ़ की बात करें, या फिर जंगलों में आग लगने की बात करें, ये सभी न्यूज में रहे हैं दोस्तों। तो इन सभी का एग्जाम्पल लीजिएगा और उसको लिखिएगा। और जब छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट की बात आएगी तो फॉरेस्ट सीजी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं, उसके बारे में आपको सोचना है। देन पेपर 6 में चलते हैं, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ में सामाजिक पहलू की बात करें तो तीनों का नेचर लगभग एक दिशा की ओर जाता हुआ नजर आता है। उसके बावजूद भी फिलॉसफी का सिलेबस थोड़ा बड़ा लिख गया है, हालांकि उसके क्वेश्चंस कम आएंगे ऐसा हमारा मानना है। टू द पॉइंट आप लिखेंगे, तैयारी करेंगे तो भी पॉसिबल है कि आंसर अच्छा निकल आए। सोशियोलॉजी में आपको सोशियोलॉजिस्ट या समाजशास्त्रियों के कार्यों के उदाहरण देने चाहिए, और नहीं है तो आप कुछ क्रिएट करके ओरिजिनल थ्योरी के आधार पर लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में किए गए कार्यों को भी आप उदाहरण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट पहलू है वो छत्तीसगढ़ के समाज के बारे में, ठीक है ना, कल्चरल आस्पेक्ट, तो उसमें भी आप करेंट अफेयर्स जोड़ सकते हैं। जो कल्चरल आस्पेक्ट है उसके लिए भी आपको एग्जांपल्स तैयार कर लेने चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग से काम किया है, त्योहारों पर काम किया है, छत्तीसगढ़ की कला और कल्चर, संस्कृति, इन सब पर फोकस किया है, चाहे वो गेड़ी डांस की बात हो, हरेली त्यौहार की बात हो, और इसके अलावा आप देख पाते हैं गौठान और इन सब के भी कार्यक्रम लगातार पैरेलली रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आप एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकते हैं। पेपर 7 की जहां तक बात है, जो अधिनियम, एक्ट और इन सभी का जो हिस्सा है, अगेन करंट अफेयर्स में यदि कोई संशोधन, अमेंडमेंट हुआ है तो उसको साथ लेकर चलिएगा, उदाहरण के तौर पर उसको कोट कीजिएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को साथ लेना ना भूलें, उनके करंट एग्जाम्पल। और अभी जैसे हमारे देश में भी बात हो रही है कि खेलों को अलग अलग तरीके से हम आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कोविड दौर में खेलों के ऊपर कोई सवाल बनता हुआ दिखता है कि कैसे इसका इंतजाम किया जाए या किस तरह का भाव इन खेलों पर पड़ा है। इसके अलावा जो लास्ट का सेक्शन है वो एजुकेशन वाला है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। तो रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी आई, तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए। यूजीसी के बारे में पूछा जा सकता, आईएम, आईआईटी, आईआईटी, आईटीआई, इन सब के बारे में सवाल किए जाएंगे। एजुकेशन पॉलिसी पर भी सवाल होगा, बालिका शिक्षा पर सवाल उठेंगे, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, ये सभी चीज़ों को, रोजगार की स्थिति, इन सभी चीज़ों में करेंट अफेयर्स और आंकड़े ढूंढना मत भूलिएगा। और मुझे लगता है नए आंकड़ों को तलाश मत कीजिएगा, जो एग्जिस्ट करते हैं उनके ऊपर उनको नोट डाउन वैसे तो पहले से करना था लेकिन नहीं किया है, तो अभी भी 35 दिन का वक्त है, आप उसको प्लान कीजिए दोस्तों और रेडी कीजिए, और अपने फॉर्मेटिंग करके रिवीजन के लिए कुछ सिनॉप्सिस बना के तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है कि 35 डेज में कवर किया जा सकता है। करेंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना मत भूलिएगा,
पाथ आईएएस एकेडमी प्रयास कर रहा है कि आपको सारी चीजें बनाकर हम दे दें जिसके माध्यम से करंट अफेयर्स के उदाहरण आप डाल सकें। हालांकि एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे हमारे टीम मेंबर्स अवनीश वर्मा के करंट अफेयर्स के वीडियोज हैं, कुछ हद तक मैंने भी वीडियोज लिए हैं, उन सभी को आप रिविजन में ले सकते हैं। हालांकि एक समअप तैयार करके पाथ आईएएस एकेडमी आपको देने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट कमजोर है उनको पहले लिखना है और डेली बेसिस पर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा। पुराने छात्र हैं, उनका अनुभव यदि मुझसे जानना चाहें तो उन्होंने राइटिंग बढ़िया की है, कोटेशंस अच्छे इकट्ठे किए हैं, उदाहरण बढ़िया समाहित किया है, इन सारी चीजों के मिक्सचर से आप देखेंगे एक बढ़िया उत्तर निकल कर आता है और इसी दौर में आपको अच्छे मार्क्स लाना है। दोस्तों रिटर्न में जितने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे इंटरव्यू में उतनी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, बिकॉज इंटरव्यू के मार्क्स को आप गेस नहीं कर सकते। रिटर्न आपके हाथ में है अभी और 7 पेपर्स में हर पेपर में मिनिमम 100 मार्क्स, इसके अलावा जितने भी ऊपर आ जाएं वो काफ़ी हैं। और मुझे लगता है ऐसे राइटिंग में आपके मार्क्स 140 लैंग्वेज में, 140 पेपर 7 में 140 जाने चाहिए ताकि 150 मार्क्स का एडिशन आपको मिल जाए और 850 के टोटल स्कोर पर आप खड़े हो जाएं। आपका रिटर्न में हर पेपर में 100 क्रॉस करना चाहिए, तब जाकर आप टॉप 5 में जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से प्लान कीजिए। इसके अलावा मेंस में कोई भी सजेशन चाहिए तो प्लीज़ हमसे बात कर सकते हैं, मॉडल आंसर पूरे टेस्ट सीरीज की डिमांड कर सकते हैं, एक साथ वो हम सेल कर देंगे और उसकी ज़रूरत है मॉडल आंसर पढ़ सकते हैं आप कि आंसर कैसे लिखना है। बहुत सारे छात्र बहुत दिनों से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा मॉडल आंसर है उसकी बुकलेट है मार्केट में, चाहे वो आप रायपुर के किसी बुक डिपो से ले लें या फिर भिलाई या फिर जगदलपुर या फिर बिलासपुर से ले सकते हैं, इन सभी जगह पर बुकलेट्स अवेलेबल हैं, या फिर आप हमें फोन कर लीजिए, हम आपको कुरियर करवा देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अभी नए नोट्स नहीं बनाएंगे आप, और राइटिंग प्रैक्टिस पर डे करना है। बहुत ज्यादा नई किताबों से मत पढ़िए, नए नोट्स मत फॉलो कीजिए, जो पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए, चाहे किसी भी कोचिंग के हो उस पर भरोसा कीजिए और उसी से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों नया प्रयोग कर मत लीजिएगा, नुकसान बहुत होगा, टाइम कम है और जो चीजें पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स आप रिकॉल कर लें। डेली बेसिस पर किताब बंद करके लिखने का प्रयास करें कि सुबह से शाम तक क्या पढ़ाई किए, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी पाथ आपके साथ है और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कॉल करें या लिख भेजिए, हम आपको दोबारा कॉल करके आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज लास्ट राउंड के लिए हमने लॉन्च कर दिया 15 सितंबर, आप हमें कॉल करके टेस्ट में अपनी जगह बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ओर से फिलहाल इतने ही सजेशंस, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।